बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात पाकिस्तान में बिजली का एक बहुत बड़ा ब्लैकआउट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अफवाहें गर्दिश करने लग गईं और मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक मुख्तलिफ़ ख्यालात और मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाकर सोशल मीडिया पर लोगों को बताने शुरू कर दिए। हम आपको ये बताएँगे कि सारी रात और सारा दिन मुल्क में क्या अफवाहें गर्दिश करती रहीं और लोग क्या सोचते रहे और क्या क्या झूठ और फेक न्यूज़ लोगों को देते रहे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में ये ब्लैकआउट आखिर हुआ कैसे और आखिर पूरा मुल्क क्यों अंधेरों में डूब गया, इसके पीछे क्या मुहरकात थे और इसकी क्या वजूहात थीं, और आपको ये भी बताएँगे कि लोग इसके बारे में क्या क्या कहते रहे। इतवार की रात यानी हफ्ते के दिन तकरीबन रात 11:41 पर गुड्डू पावर स्टेशन में फनी खराबी की वजह से गुड्डू पावर स्टेशन ट्रिप कर गया और फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 पर आ गई, जिसकी वजह से मुल्क में जो तरसील का निज़ाम है वो बोझ बर्दाश्त ना कर सका और तरबेला, मंगला और चश्मा पावर हाउसेस भी ट्रिप कर गए, जिससे पूरे मुल्क में जो बिजली है वो ख़त्म हो गई, मुल्क अंधेरों में डूब गया। तो एक तो ये कि ये मुल्क में पहली बार नहीं हुआ, 2005 में मुशर्रफ दौर में भी ऐसा ही एक ब्लैकआउट हो चुका है, 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी एक ब्लैकआउट हुआ था। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के दौर में 2018 में भी एक ऐसा ही ब्लैकआउट हुआ था, तब लोगों ने भी ऐसी ही अफवाहें फैलाई थीं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी और इंक्वायरी के बाद यही कहा गया था कि फनी खराबी थी जिसको दूर कर लिया गया। अच्छा, एक जो अहम बात है, इत्तफाक की बात है कि जब भी मुल्क में ब्लैकआउट हुआ, यानी ये रात चौथी बार ब्लैकआउट हुआ, और हर ब्लैकआउट हमेशा गुड्डू पावर स्टेशन में फनी खराबी की वजह से हुआ है। गुड्डू पावर स्टेशन सूबह सिंध के ज़िला कश्मीर में दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद है और ये मुल्क के बड़े पावर हाउसेज में शुमार होता है, इसलिए इसमें जब भी कभी कोई फनी खराबी होती है तो इससे पूरे मुल्क का जो बिजली का तरसील का निज़ाम है वो आज खुद ट्रिप होने के सिस्टम की वजह से ट्रिप हो जाता है और मुल्क किसी बड़े हादसे से बच जाता है। आप देखते हैं कि मुल्क में इस ब्लैकआउट की वजह से क्या क्या अफवाहें गर्दिश करती रहीं। तो इसमें जो पहली अफवाह है, ये सारी रात और आज सारा दिन लोगों को सोशल मीडिया पर लोग अफवाहें फैलाते रहे कि पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड है उसमें कोई दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हो गया है, जिस पर कंट्रोल तो कर लिया गया है लेकिन मज़ीद नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए बिजली को खुद बंद कर दिया गया है। यानी अब लोगों ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को इतना कमज़ोर समझ लिया है कि चंद लोग आएंगे मुट्ठी भर दहशतगर्द, आपके मुल्क के नेशनल ग्रिड पर कब्ज़ा करेंगे या कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, हमला करेंगे और आपके मुल्क का पूरा बिजली का तरसील का निज़ाम जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो ये चूरन इन लोगों का इस बार नहीं बिका। दूसरा चूरन जो लोग बेचते रहे वो ये था कि पाकिस्तान ने अपने एटमी असासे या कोई दिफाई असासे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने थे, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जंग का एक खदशा मौजूद है, तो पाकिस्तान अपने इन एटॉमिक असासों को या दिफाई नौइयत के असासों को एक जगह से दूसरी जगह खुफिया तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहता था, और क्योंकि पाकिस्तान पर मुसलसल सर्वेलेंस हो रही है और दुश्मन ने नज़र रखी हुई है, तो इसलिए इस रात की तारीकी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान में बिजली का एक ब्लैकआउट किया गया और वो दिफाई राज या वो एटॉमिक के जो असासे थे उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया ताकि अंधेरे में दुश्मन इसका अंदाज़ा ना लगा सके, और जब ये सब कुछ कामयाबी से कर लिया गया तो फिर मुल्क के बड़े शहरों में बिजली की बहाली शुरू कर दी गई। तो बड़ी अजीब बात है, उन लोगों की अकल पे रोना आता है जो ये बातें कर रहे हैं। भाई जो सर्विलेंस करते हैं ना, वो रात में भी देखने के कैमरे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, जो रात में अंधेरे में आपकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, तो बिजली बंद करने की फिर क्या ज़रूरत, उन तक तो वैसे ही मालूमात पहुँच जानी है।
उन्होंने तो वैसे ही नाइट विजन कैमरों से देख लेना है, तो फिर मुल्क में बिजली बंद करने की क्या ज़रूरत। यानी ऐसी गैर मनतकी सोचें और झूठी खबरें आप सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों की वजह से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सुनते हैं कि जिनका न सारो पै न पाँव होता है। और तीसरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुल्क में फ़ौज ने मार्शल लॉ लगा दिया है और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया है, सिविल हुकूमत को घर भेज दिया है और अब हालात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बिजली को बंद करवा दिया है ताकि जब तक हालात ठीक हो जाएं फिर बिजली बहाल कर देंगे और लोगों को फिर पता चल जाएगा। इसी तरह अगर किसी वक्त रेडियो पाकिस्तान या PTV की नशरियात भी बंद हो जाएं तो यही फार्मूले लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि आपके मुल्क की फ़ौज ने आपकी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। 2005 में तो थी ही फ़ौज की हुकूमत, जनरल परवेज मुशर्रफ बावर्दी सदर थे और शौकत अजीज साहब उनके साथ वज़ीर आज़म थे, बहर कैफ वही तमाम पावर का मंबा थे, तो ये तो कहना मुश्किल था उस वक्त भी, हालांकि लोगों ने फिर भी कहा। फिर 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो कहा गया कि कयानी साहब ने ऐसा कर दिया है। फिर 2018 में जब ब्लैकआउट हुआ तो तब उस वक्त की जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की और फौजी क़यादत के दरमियान कुछ हालात कशीदा थे तो लोग ये समझे कि शायद ऐसा हो। मगर इस वक्त जब ये दावा किया गया कि मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करके फ़ौज ने इकदार पर कब्ज़ा कर लिया है इसलिए बिजली बंद है, तो ये चूरन इस बार नहीं बिका, क्योंकि इस बार फ़ौज के और सिविल हुकूमत के हालात और तल्लुकात तारीख में सबसे बेहतरीन है। ये चूरन भी इस बार नहीं बिक सका। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये अफवाहें फैलाने का लोगों को आखिर मौका क्यों मिला, इसकी वजह क्या बनी। तो जब भी मुल्क में कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई वाकया हो जाता है तो वजारत इत्तलात, क्योंकि इंफॉर्मेशन का काम है उनका, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को हकायक बताएं कि ये मसला इस वजह से हुआ है, ताकि लोगों में अफवाह साज फैक्ट्रियां जो हैं वो अपना काम ना कर सके। रात जैसे बिजली बंद हुई थी, खुद की थी या एमरजेंसी में जैसे कह रहे हैं फनी खराबी की वजह से बंद हो गई थी, ट्रिप हो गई थी, तो वजारत इत्तलात को NTDC और वापडा से तमाम तफसीलात लेकर या वजारत तवानाई से तफसीलात लेकर एक बयान जारी कर देना चाहिए था कि इस वजह से बिजली का ब्लैकआउट हुआ है। मगर इसमें देर हुई और फिर लोगों को अफवाहें फैलाने का एक मौका मिल गया। फवाद चौधरी ने रात सबसे पहले ये ट्वीट किया था कि किसी पावर स्टेशन में कोई फनी खराबी हुई है जिसकी वजह से बिजली ट्रिप हो गई है लेकिन जल्दी बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान में जो बिजली का तरसील का निज़ाम है वो इतना मजबूत और बेहतरीन है कि जो इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं उन्हें फौरन पता चल जाता है कि कहाँ पे खराबी आ रही है, किस किस्म की खराबी है और ये कितनी देर में ठीक हो जाएगी। तो इन मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर वजारत इत्तलात को ये मालूमात फराहम करनी चाहिए थी कि फलां जगह पे इस किस्म की फनी खराबी आ गई है और इसको इतनी देर तक दूर कर लिया जाएगा, और वजारत इत्तलात लोगों को इसकी इत्तला फराहम कर देता तो ये जो दहशतगर्दी या मुल्क में दिफाई असासे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने या मुल्क में मार्शल लॉ लगने की अफवाहें, ये लोगों को फैलाने का फिर मौका न मिलता। फवाद चौधरी के बाद वज़ीर बराए तवानाई उमर अजीब खान ने फिर ट्वीट किया जो इधर हमारे पास है, मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे फिर अफवाह साज फैक्ट्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अजीब खान ने ये ट्वीट किया कि बिजली के तरसीली निज़ाम में बिजली की फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 होने की वजह से बिजली का ब्लैकआउट हो गया है। फ्रीक्वेंसी गिरने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त तरबेला को चलाने की कोशिश हो रही है जिससे तरतीबवार बिजली का निज़ाम बहाल किया जाएगा। अवाम से तहम्मुल की अपील है। ये जो ट्वीट हमने आपको उमर अजीब खान का पढ़कर सुनाया, ये अगर पहले कर दिया जाता या वक्त पर कर दिया जाता तो इस किस्म की अफवाहें फैलाने का किसी को मौका न मिलता। फिर वजारत तवानाई ने भी अपने ट्विटर हैंडल से यही ट्वीट किया जो उमर अजीब खान ने कहा। बहरहाल उन्होंने ये बताया कि 11:41 पर
बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्लैक आउट जो है वो गुड्डू में फनी खराबी की वजह से हुआ और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से 0 हो जाने की वजह से हुआ। लेकिन बार बार इतला ना देने की वजह से मुल्क में इतना अफवाहों का बाजार गर्म रहा, लोगों को परेशानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे मुल्क में बिजली की जो तरसील है वो बहाल हो चुकी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। और पाकिस्तान के मुखालिफ खूनी लिबरल्स जो रात को ये ख्वाब देखते हैं कि जब हम सुबह उठेंगे तो मुल्क धर्म भरम हो चुका होगा, तो उनका एक और ख्वाब चकनाचूर हो गया। खूनी लिबरल्स की हकीकत हम आपको एक वीलॉग में बताएंगे कि जब इनको इक्तदार मिला तो इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।